गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने करंट अफेयर्स हरियाणा के स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम उसका उसी सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आए हैं। फरवरी महीने का फरवरी 2019 का पार्ट लेकर आए हैं स्टूडेंट। आज फरवरी 2019 के करंट अफेयर करेंगे हम, ठीक है। और मैं डेली करंट अफेयर नहीं दे रहा स्टूडेंट, मैं पूरा डाटा कलेक्ट करके आपको पूरे महीने के हिसाब से डाटा दे रहा हूँ। पिछले एक साल के करंट अफेयर करेंगे हम, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टूडेंट शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। प्लास्टिक को सड़कें बनाने, प्लास्टिक की जो सड़कें हैं उनका बनाने में प्रयोग करने के लिए हरियाणा में कितने जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को इसके लिए प्रथम चरण के लिए चुना गया है? कितने क्षेत्रों को चुना गया है स्टूडेंट? 3, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम आप लोगों का, प्यारे बच्चों आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, बिल्कुल कम से कम टाइम लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसी कम से कम टाइम में ही आपका कवर करवाऊँगा, ठीक है। देश का पहला मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म हरियाणा के किस ज़िले में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हिसार में, मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म बनाया जा रहा है हिसार में। अगला है बच्चों, देश की पहली पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महिला कौन सी है? सुनील डब्बास को पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पहली महिला ये हमारे देश की। तो हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा MDR TB सेंटर खोला जाएगा? सोनीपत में MDR TB सेंटर खोला जाएगा। हरियाणा बजट 2019-20 कितने करोड़ रुपए का है? 19-20 का बजट कितने करोड़ रुपए का रहा है स्टूडेंट? 132,165.99 करोड़, ठीक है। 132,165.99 करोड़, ठीक है। अगला है बच्चों, भारतीय स्टेट बैंक ने हरियाणा में पहली प्रीमियम बैंकिंग ई लॉबी सर्विस शुरुआत किस जिले में की है? ये रेवाड़ी में की है बच्चों। ई लॉबी मतलब इसमें है ना, काफ़ी सुविधाएं ना एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी बच्चों को, लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। ये रेवाड़ी में खुली है, भारतीय स्टेट बैंक ने शुरुआत की इसकी। हरियाणा सरकार ने तीसरी बेटी पैदा होने पर कितने रुपए का बीमा शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने 21,000 रुपए का बीमा देगी। अगर किसी को भी तीसरी बेटी पैदा हुई है तो उसको 21,000 रुपए का बीमा मुहैया कराएगी सरकार, ठीक है, हरियाणा सरकार। 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? 33वें हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस ने किया, ठीक है बच्चों। और इस टाइम पे थीम स्टेट था महाराष्ट्र, इसका थीम स्टेट था बच्चों महाराष्ट्र, ठीक है। और थीम कंट्री था, पार्टनर कंट्री कह लो, ये था थाईलैंड, ठीक है बच्चों, थाईलैंड पार्टनर कंट्री और महाराष्ट्र थीम स्टेट, ठीक है बच्चों। 33वें सूरजकुंड मेले का। नेक्स्ट है बच्चों, किस योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के लाभांतर श्रमिकों द्वारा प्रति माह दी जाने वाली उनके हिस्से की धनराशि अब हरियाणा सरकार वहन करेगी? किस के तहत? प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना के तहत, ठीक है बच्चों। हरियाणा कला प्रवीण पुरस्कार कितने वर्ष के कलाकारों को दिया जाता है? देखिए बच्चों, 40 वर्ष तक के जो कलाकार होते हैं उनको कला प्रवीण दिया जाता है, और 40 से 55 तक होते हैं उनको कलाश्री पुरस्कार दिया जाता है, और 55 से ऊपर वालों को कला रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये हरियाणा में कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा बजट 2019-20 विधानसभा में कब पेश किया गया? बजट 25 फरवरी को पेश किया गया था बच्चों, ठीक है, 19-20 का बजट।
नेक्स्ट है कलारतन, वही बताया था ना मैंने, कलारतन किसको दिया जाता है, 55 वर्ष से अधिक के कलाकारों को दिया जाता है। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है उसमें पौधों के लिए कौन सी लैब स्थापित की जा रही है, टिश्यू कल्चर लैब बनाई जा रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आ रही है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, क्या ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो ठीक है, इसको आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को अगर पसंद आ रही है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कलाश्री पुरस्कार, कलाश्री पुरस्कार 40 से 55 वर्ष के कलाकारों के लिए है, 40 से 55 के लिए कलाश्री पुरस्कार और 40 वर्ष तक बताया था, 40 से 55 तक के लिए कलाश्री पुरस्कार और 55 से ऊपर के लिए, 55 से ऊपर के लिए ये बताया था कलारतन पुरस्कार। ठीक है बच्चों, 55 से ऊपर के लिए कलारतन, 40 से नीचे के लिए 40 यानी कि 40 तक के लिए कलाश्री पुरस्कार, 40 से 55 के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं, मनोज यादव बने हैं बच्चों। ठीक है, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं मनोज यादव। ऑल इंडिया सॉरी बच्चों, ऑल इंडिया नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक किस जिले में किया गया, नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप ऑल इंडिया की 22 से 24 फरवरी तक हिसार में हुई है बच्चों। 9वीं सीनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है, ये किया गया जी हिसार में, नेशनल हॉकी महिला हॉकी चैंपियनशिप भी हिसार जिले में कराई गई थी। हरियाणा में कौन सा संस्थान कृषि रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संस्थान बन गया है, कृषि रत्न किसको मिला है, कृषि के मामले में एक ही आंसर है, कृषि के मामले में जो भी आए तो समझ लो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिले की महिला किसान नीतु देवी को किसान रत्न पुरस्कार दिया है, ये कौन से जिले की है, महेंद्रगढ़ जिले की। ठीक है बच्चों, जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियो के लिए। ठीक है बच्चों, हरियाणा में आयोजित 9वीं सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप डिवीजन ए का खिताब किस टीम ने जीता है, ये रेलवे ने जीता है बच्चों। नेक्स्ट है हिसार एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित 9वीं सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन बी का खिताब किस टीम ने जीता है, डिवीजन बी का जीता है साई ने। ठीक है बच्चों, साई पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल तृतीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता है, रेलवे ने। हरियाणा के चौथे एग्री लीडरशिप 2019 का आयोजन कहां पर हुआ, गन्नौर में। हरियाणा में ड्रग फ्री कैंपेन की शुरुआत किस जिले में की गई, ड्रग फ्री कैंपेन की शुरुआत हिसार जिले से शुरू की गई है स्टूडेंट। हरियाणा के कितने किसानों को किसान रत्न पुरस्कार दिया गया, किसान रत्न पुरस्कार दिया गया बच्चों 24 किसानों को। हरियाणा समेत देश भर में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा नंबर शुरू किया गया है, इमरजेंसी सेवाएं यानी एक कॉमन नंबर हरियाणा के साथ साथ सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए ना, काफ़ी स्टेट्स ने जो है पूरे देश के लिए कह दो एक तरह से एक यूनिवर्सल नंबर जारी कर दिया है 112 नंबर पे। 112 आप डायल करेंगे ना हर तरह की सेवा आप ले पाएंगे जो इमरजेंसी के लिए चाहिए होती है, जैसे फायर ब्रिगेड के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ये सब जो है ना, बाकी और भी बाकी जो सेवाएँ हैं सभी सेवाएँ 112 नंबर पर ले पाएंगे। ठीक है बच्चों,
प्रधानमंत्री के ने किस जिले के कुटेल में बन रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ये करनाल में रखी गई है बच्चों, ठीक है, कुटेल करनाल में आता है कुटेल गांव। नेक्स्ट है बच्चों, देश का 22वां एम्स कहाँ बन रहा है? रेवाड़ी में, हमारे हरियाणा के रेवाड़ी में। कुंडली मानेसर पलवल का जो इमरजेंसी नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1033, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 33वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2019 कब से शुरू हुआ? ये 1 फरवरी से शुरू हुआ है बच्चों, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान उद्घाटन किया? झज्जर में। ये झज्जर के कौन से उसमें? बाड़सा में, झज्जर के बाड़सा में कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, हरियाणा किसने पलवल से सोनीपत तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया है? ये बनाया है बच्चों एचआरआईडीसी। भारत से बाहर किस देश में पहली बार सरकारी स्तर पर 12 से 16 फरवरी तक गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखो भारत से बाहर कहाँ हुआ है गीता महोत्सव? मॉरिशस में हुआ है, ठीक है। हरियाणा राज्य सहकारी प्रसंघ विकास प्रसंघ लिमिटेड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? रघुनाथ कश्यप को। हरियाणा सहकारी विकास प्रसंघ लिमिटेड का अध्यक्ष रघुनाथ कश्यप को चुना गया। गौ सेवा आयोग और हरियाणा सरकार राज्य के कितने जिलों की जेलों में गौशाला बना रहा है? गौ सेवा आयोग है ना, हरियाणा सरकार के 6 जेलों में, ठीक है, राज्य की 6 जिलों की जेलों में है ना गौशाला बनाए जाने की शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा में कहाँ स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला मोदी ने रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ, ठीक है, इसलिए मैं फैक्ट्स ही करवा रहा हूँ। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मंजूरी दी है? 10%, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए बच्चों, ठीक है। अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी है? पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने NCR के जिलों में 10 साल पुराने ट्रैक्टरों व कंबाइनों को कितने साल की छूट प्रदान की है? 1 साल तक की छूट प्रदान की है हरियाणा सरकार ने, ठीक है बच्चों। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में स्थित वॉर मेमोरियल की आधारशिला रखी है? पानीपत में वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा बच्चों, और वो वॉर मेमोरियल जो पानीपत में बनाया जाएगा उसमें महाराष्ट्र का जो CM है ना, महाराष्ट्र का जो CM है देवेंद्र फडणवीस, वो 3 करोड़ रुपए की हेल्प करेगा हमारे हरियाणा को, 3 करोड़ रुपए देगा वॉर मेमोरियल, क्योंकि क्यों देगा, ये भी लॉजिक है ना, क्यों देगा महाराष्ट्र का CM? वो इसलिए देगा क्योंकि मराठों का युद्ध हुआ था ना, और मराठों ज़्यादातर महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, ताकि उनकी श्रेष्ठता और बहादुरी को हिस्ट्री में जाना जा सके, इसलिए वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला दिया है? सोनीपत में। फरीदाबाद में स्थित ESI हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है बच्चों? ये CM मनोहर लाल खट्टर ने किया है, ठीक है, मुख्यमंत्री ने किया है बच्चों, ये CM ML खट्टर, ठीक है, ML खट्टर, इतने से ही समझ जाना आप लोग, ठीक है, ML खट्टर ने, ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने
मोदी के वक्तव्यों पर आधारित किस पुस्तक को ई संस्करण का विमोचन किया है? स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि, ये पुस्तक लॉन्च की है। किसके वक्तव्यों पर आधारित है? वक्तव्य मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, वक्तव्य मतलब जो उन्होंने बोला है उनके ऊपर आधारित है। संकल्प से सिद्धि, स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हरियाणा में 15 से 29 साल के युवाओं के विकास के लिए किस आयोग का गठन किया जाएगा? राज्य युवा आयोग, राज्य युवा आयोग के गठन किया जाएगा। युवाओं के लिए तो राज्य युवा आयोग ही बनेगा क्योंकि स्टेट लेवल का ही है। हरियाणा पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक किन्हें बनाया गया? डॉक्टर के पी सिंह को बनाया गया बच्चों, पुलिस महानिदेशक, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप लोग फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं है मुझे ना, आप सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या करें, बच्चे मानते नहीं है ना, इसलिए सॉरी फॉर दिस, आप मैनेज कर लीजिए प्लीज़। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है बच्चों। आचार संहिता पर जो उल्लंघन करेगा ना उन पर नज़र रखने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है, ठीक है बच्चों। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों ज़्यादा तेज़ आवाज़ बोल के, ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड की अपेक्षा मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? ये 6 फरवरी से 10 फरवरी तक किया गया है बच्चों, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। 1, 2, 3 से याद रख लेना बच्चों। हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों को पद्मश्री अवार्ड से चुना गया है? 3 किसानों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है बच्चों। प्रदेश के किसानों व कृषक महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए HAU ई मार्ट वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? ये भी ML खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने किया। आंसर इसका मैं दिया नहीं है सही तरह से, ये CM ने किया है बच्चों, ठीक है। CM आप लोगों को पता ही है आज के टाइम ML खट्टर है, ठीक है बच्चों। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा में करनाल में मृदा सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन कब किया गया? 7 फरवरी से 9 फरवरी तक किया गया बच्चों। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपना अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे भी अच्छी और अच्छी वीडियो ला सकूँ, ठीक है बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की सीरीज़ का। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के BPL परिवारों की लड़की के शादी के लिए सहायता राशि 51,000 रुपये दी जाती है, ठीक है बच्चों, 51,000 रुपये। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आज बस यहीं तक करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए करंट अफेयर के क्वेश्चंस दो पार्ट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, दो पार्ट में ये मैं करंट अफेयर की सीरीज पूरी करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में मुझसे कोई गलती हुई है तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा आपके कमेंट को, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैं एक बात और करना चाहता था बच्चों, जैसा मैं आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद चाहता हूँ, ऐसा मुझे सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के, जो भी आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के ग्रुप है, टेलीग्राम के जिससे कनेक्ट हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए व्यूवर हैं तो, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं एडवांस साइंस भी कराऊँ, ठीक है बच्चों, एडवांस साइंस कराऊं,
एक सेकेंड, आप ये चाहते हैं मैं एडवांस साइंस कराऊं जो आजकल एचएसएससी में आ रही है, ठीक है, एडवांस साइंस के लिए जो आजकल एचएसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है, तो मैं साइंस के वो टॉपिक कवर करवाने के लिए तैयार हूँ। प्रॉब्लम बस एक है, मेरे माइक में प्रॉब्लम है, तो माइक मेरा अभी तक आया नहीं है और ई कॉमर्स या फिर अन्य सेवाएं जो हैं आप लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से ये सेवाएं बंद हो रखी है, तो मैं नया नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो माइक की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग ये चाहते हैं एडवांस साइंस मैं अच्छे से करवाऊँ, जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर दूंगा कम्युनिटी में कमेंट करके या पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है, जैसे भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि साइंस एडवांस लेवल का बनवा करवाऊँ मैं आप लोगों को, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही माइक की अवेलेबल हो जाएगा, माइक अवेलेबल हो जाएगा, माइक मेरे पास आ जाएगा, तो वैसे ही मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।